हे गाइस, कैसे हो आप सभी। तो हम आज निकल रहे हैं कहीं जाने के लिए और हमारी पूरी मंडली हमारे साथ जा रही है। देखो कौन कौन हमारे साथ है। एंड आज हम जा रहे हैं कुछ स्पेशल जगह पर। अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पर ई रिक्शा में और ई रिक्शा से हम कहाँ जाने वाले हैं तो आगे आगे देखते हैं क्या होता है, कहाँ हम जाते हैं। सो यहाँ पर हम आ चुके हैं। यार बहुत लंबा रास्ता है ये पैदल का ना। ये रिक्शे वाले ने हमें पहले ही उतार दिया। एक्चुअली ये रामलीला के चक्कर में ना यहाँ पर बंद किया हुआ ये रास्ता। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं आज नोएडा के स्टेडियम में। स्टेडियम हम आपको दिखाते हैं कैसा है। यहाँ पर लगा हुआ है बहुत बड़ा वाला मेला और आज थी अष्टमी। तो अष्टमी वाले दिन अष्टमी नौमी थी, आज दशमी है। तो यहाँ हम आ गए हैं मेले के अंदर और बहुत ही खूबसूरत मेला, बहुत ही बड़ा मेला यहाँ पर लगा हुआ है। तो आप सब भी देखिए, नोएडा का यही स्टेडियम है एंड इसमें इतना बड़ा मेला लगा हुआ है ना। हर तरह के झूले हैं, भूत बंगला है एंड खिलौने हैं बच्चे के घूमने के, बहुत सारा खाने का भी बहुत सारा सामान है यहाँ पर। तो आप आएंगे तो बहुत ज़्यादा इंजॉय होगा। बट आज का शायद ये मेला है। यहाँ पर लगी है सबको प्यास और ठंडा ठंडा जलजीरा भी मिल रहा था। सबका मन तो कर गया पीने का कि जलजीरा पियेंगे, अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर ना उतना अच्छा टेस्ट इसका लगा नहीं जितना होना चाहिए था। मतलब जो पुराने वाला जलजीरा का टेस्ट होता था ना, वो वाला नहीं हुआ। बहरहाल फिर भी सभी ने पी ही लिया। और ये देखो धमाल, वाह यार क्या बात है। ये ना मतलब इतने बड़े बड़े झूले, इतने ऊँचे ऊँचे झूले ना बहुत ही कम नज़र आते हैं। और ये है कुआं, कुआं मतलब मौत का कुआं जिसको बोलते हैं ना, जो पहले हम लोग देखा करते थे अपने बचपन में। सभी चीज़ें वैसी ही हैं जो पुराने हम लोग काफ़ी टाइम से मेले में देखते आ रहे हैं। कुछ नए झूले भी ऐड ऑन हुए हैं, ये सभी नए झूलों में हैं और बहुत ही ख़तरनाक वाले होते हैं यार। इनके अंदर तो जाना ही नहीं, मतलब उल्टी हो जाती है पता है। इनके अंदर जाते ही बड़ा हालत ख़राब हो जाती है, इसीलिए बच्चों ने तो नहीं झूले ये झूले। बट हम हाँ देखने तो हम गए थे, इन्जॉय तो हमने किया ही। दिखा किट्टू, यो वेरी गुड। नीचे सो वहाँ से निकल कर अब हम आ चुके हैं अट्टा मार्केट एंड यहाँ पर कुछ खाने की चीज़ों से मन ललचा गया है बच्चों का भी और बड़ों का भी। तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं सभी अपने अपने मनपसंद की चीज़ें खा रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे मॉल में एंड वहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ। पहले यहाँ पर हम सभी खा लेते हैं अच्छे से अपना मन भर के और पेट भर के। पता नहीं पेट तो भरेगा कि नहीं भरेगा पर मन ज़रूर भर जाएगा। भैया को भी दे किट्टू, भैया को भी दे। अरे चिज्जी है बेटा ये कुछ भी नहीं। अब हम आ चुके हैं GIP मॉल एंड ये है गेट। यहाँ से हम लोग एंट्री करके अंदर जा चुके हैं। चलाओ नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं।
दोनों बॉल उसके अंदर रहने पर कोई सा भी टेडी आप ले सकते हैं। गोद में ला रही है पकड़ के पागल। यहाँ पर मेरी बेटी दिखा रही है कुछ नखरे, क्योंकि इसको स्टेयर्स में चढ़ने में डर लग रहा था तो इसीलिए थोड़े से नखरे दिखा रही थी। यार इसको दूसरे चक्कर में ही लाना पड़ रहा था, क्योंकि पहले चक्कर में तो मैं बेटे को साथ में ला रही थी, इसको फिर दोबारा से जाना पड़ रहा था लेने के लिए और तब लेके आना पड़ रहा था। उसको पकड़ ले वहाँ से, अभी इसको पकड़। ये हो रहा है यहाँ पे फोटो सेशन। सो भाई आज हम आए हैं घूमने GIB मॉल एंड इतनी बड़ी हमारी मंडली है, सभी फोटो सेशन करा रहे हैं। ये है वो वाला आइसक्रीम वाला जो हम अक्सर वायरल वीडियोस में देखते हैं कि वो एक कोन देता है बट प्रॉपर हमें आइसक्रीम नहीं देता और बार बार कोन्स बदलता रहता है। तो एंजॉय करते हैं अब इस वीडियो को भी। घूम घाम के हम आ चुके हैं बाहर एंड यहाँ पर मॉल के बाहर कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे जो कि काफ़ी सुंदर सुंदर इसमें सामान था, खाने का भी था, इसमें कपड़े वगैरह भी थे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा घूमे और इसके बाद फिर हम निकल चुके बस स्टैंड की तरफ, क्योंकि हमें जाना था बस से ही और थोड़ा सामान यहाँ से जो समझ में आया वो ले ही लिया, इक्का दुक्का जो भी लगा। बट यहाँ पर अच्छा लगा ये वाला हमें, जो ये कूदने वाला था ना, इसमें मैंने बेटी को भी बोला, बच्चों को बोला कि चलो कूदते हैं, लेकिन कोई रेडी ही नहीं हुआ। सो भाई कैसा लगा आज घूमना? हम तो हालत बुरा है यार, खड़ा हमारे पैर थक गए यार। पैर थक गए? मेला अच्छा नहीं लगा? बढ़िया, थकान भरा। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, mud, disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague for the mentally weak, no mercy, all I got is working. Never